हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मैं दिखाऊंगी लैंड क्रूजर, जो गाड़ी मैं सबसे ज़्यादा प्लान कर रही हूँ खरीदने के लिए। तो अब एक्जॉटिक व्हील्स में हम लोग आए हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने इनका बहुत प्यारा सा स्पोर्ट्स कार का कलेक्शन दिखाया था। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लैंड क्रूजर के ऊपर, और वो देखते हैं क्या है। हिमांशु हमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं आपके साथ हम भी। आइए यार, चलो दोस्त देख लो भाई, जो गाड़ी की मेरी जर्नी है उसका जो सबसे मेन कार में मुझे इंटरेस्ट है वो है हमारी ये वाली कार, लैंड क्रूज़र। और हिमांशु के पास गाड़ी बिल्कुल अवेलेबल है, 0 किलोमीटर्स गाड़ी चली है, ब्रांड न्यू कार है। और हिमांशु, कितने पैसे देने पड़ेंगे दोस्त? 289 हिमाचल ऑन रोड। 2.89 ना, मतलब 35 लाख रुपए हमें और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी एकदम से रेडिली अवेलेबल है। आपको वेट नहीं करना है इसका। मेरे को तो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब बैठने में भी ऐसा लग रहा है सब ख़राब ना हो जाए, मैं बैठ के फील ज़रूर लूँगी। अब आप लोग मुझे बता दो, हिमांशु से ख़रीद लें या गाड़ी बुक कर दें? ये दोनों चीज़ें बता सकते हो। और ये इसकी चाबी दो, ये चाबी में कुछ नहीं करते, ये है ना, चाहे भैया कितने करोड़ खर्च कर रहा हूँ कार इनकी। बस ये पीछे बहुत स्मार्ट सा लैंड क्रूजर का आपको ये बैजिंग मिल जाती है, बाकी एवरीथिंग इज सेम जो हमारी फॉर्च्यूनर में है। एक इसकी रीसेल भी बहुत अच्छी है ना, ज़बरदस्त है ना, मुझे वही अट्रैक्शन दे रहा है। मेरे एक दोस्त के पास थी, उसने 20 लाख, सिर्फ 20 लाख रुपये डाउन करके 6 साल पुरानी गाड़ी बेच दी, सिर्फ 20 लाख टूटे गाड़ी के। तो आज जिसके पास है वो प्रीमियम भी बेच रहे हैं। अगर आपको नहीं ड्राइव करना तो पीछे तो बहुत ही प्रीमियम है ये। और मुझे जो मेन अट्रैक्शन देते हैं, मल्टीमीडिया स्क्रीन्स, एवरीथिंग इज देयर, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील है इस कार का। वाओ, अगर मुझे नहीं मिली टाइम से, हिमांशु कितने दिन तक है, मतलब क्या सोच के चला? ये रोकेगा भी नहीं हमारे लिए, इतना भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है ना। मैं फ्रेंड हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ। राइट, तो मुझे बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। राइट, अभी तो इफ यू बुक इट नाउ ना, दे आर सोल्ड आउट टिल 25 प्लस, दे आर डूइंग अ प्राइस हाइक अगेन। अच्छा, बिकॉज़ व्हेनेवर यू बाय इट ना, तो उसके ऊपर स्ट्रेट अवे लिखा होता है प्राइस शैल बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो वो टाइम पे इसका प्राइस अगर 3 करोड़ हुआ, यू हैव टू पे 3। यार 35 लाख, यार ऐसे मत करो। बट बेचने में भी तो यही हो रहा है ना, सोचो टूट भी तो नहीं रहा। एग्जाम्पल है, साल भर बाद बचे बेचोगे ना गाड़ी तो 100 की फिर बिक जाएगी। डीजल अब डिसकंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट लैंड क्रूजर में, हो सकता है पेट्रोल ही आए इंडिया में, तो इसके पैसे और बढ़ जाएंगे। एलॉयज वगैरह तो यार है, तो यार वही वाली बात है ना कि कार फुल ऑन प्रीमियम होगी और सर्विस कुछ नहीं है, फिर हाँ, फिर आप फ्री। इसीलिए लोग लेते हैं ना, एंड रिलायबिलिटी तो भाई, और जबरदस्त सर्विस है। इंडिया में दे हैवंट लॉन्च द 7 सीटर। अच्छा, 5 सीटर ही आया है यहाँ पे इंडिया में, 5 ही है। कहाँ गई मेरी पीछे की सीटें? ओके। एंड डू वी हैव एनी ऑप्शन कि हम यहाँ पे इसमें कंपनी कुछ देती है कि एड ऑन करा सकते हैं? नहीं, ओके। अच्छा, लोडिंग वोडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है ना इनमें ज्यादा, ऑल स्टैंडर्ड फिक्स, एक ही वारंटी लाएंगे हम। बूट स्पेस इज वेरी बिग इन, बट इस कार में लेके पछताने वाली चीजें बहुत कम है, क्योंकि आप बिल्कुल कवर, रिलायबिलिटी है ना, रिलायबिलिटी है और रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। पैसा कहीं गायब नहीं होता इसमें, जैसे बाकी ब्रांड्स में तो होता है ना, एकदम आधी की गाड़ी हो गई, शोरूम से बाहर निकलते ही 10 लाख सस्ती हो गई, कुछ नहीं टूटेगा। और अगर प्राइस हाइक हो गया तो यू विल सेव द मनी आफ्टर अ ईयर आल्सो, मतलब जितने की ले रहे हो सकता है उतने की बिक जाए। इतना 35 लाख तो नहीं बढ़ने वाला कितना? देखो आज की रेट में जो प्रीमियम है, जो रेगुलर प्रीमियम, आज 289 में मैं लेती हूँ सपोज इसे, ठीक है, मुझे अगले साल बेचनी है, अगले साल तो नहीं बेचूंगी, 5 साल बाद बेचूंगी, तो डिपेंड करता है दो की चली जाएगी। यू कांट से, बिकॉज़ आज की रेट में इफ यू सी 19 की लैंड क्रूजर ले लो, आज की रेट में 19 के लैंड क्रूजर का रेट इज 170-175, हां ये बिकने का रेट है 19 की गाड़ी का, कितनी 4 साल पुरानी गाड़ी। आप तो लेटेस्ट गाड़ी की बात कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक इन न्यू कार ओल्ड की भी बढ़ गई ना। एक टाइम था 16 की लैंड क्रूजर 85-90 की मिल जाती थी, एक की बिकती थी अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपए। आज की डेट में 16 की डीलर का रहने का डेट ही 1-10-15 है।
यार है तो बड़ी अच्छी कंडीशन, बिल्कुल ही तो ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू ही है। बुक करने के बाद तो व्हाट टाइम दे रहा है? अभी तो करा नहीं बुक, बात करी है मैंने जस्ट, तभी तो मैं देख के हैरान हूँ। लैंड क्रूजर खड़ी है यहाँ पे, ब्रांड न्यू खड़ी है, और मैंने उनसे पूछा कितने किलोमीटर, मुझे लगा कुछ हजारों में बोलेंगे, कह रहे जीरो। जीरो किलोमीटर? मेरी खुद फ्लैट बच जाएगी, मैंने खुद नहीं चलाई है बेटा, बैठा भी नहीं हूँ मैं गाड़ी में। ट्रक से आइए, ड्राइवर ने उतारी, अंदर पार्क कर दी। ओके चलिए जी, हिमांशु ने बहुत अच्छी एक क्लैरिटी दे दी है, लैंड क्रूजर बहुत ज़्यादा दिमाग में है मेरे, और अगर कार का वेटिंग कुछ ज़्यादा ही लगेगा हमें, शोरूम पर तो मैं जाऊंगी एक बार तो ज़रूर देखूंगी, क्योंकि मेरे को 35 लाख कम देने पड़ेंगे, मुझे बस ये लालच है ना। देन यू विल हैव टू वेट अगेन। थोड़ा बहुत तो कर लूंगी यार, 35 लाख के लिए थोड़ा बहुत तो वेट बनता भी है। नहीं, साल भर का वेट बनता है, साल भर कराएंगे वेटिंग पीरियड। अब वो 18 महीने आता है, 12 महीने आता है, 24 महीने आता है, देयर से ही 25 तक देयर सोल्ड आउट। अब वो आपके रिसोर्सेज चल गए, कुछ हो गया, कोई एक गाड़ी टपक गई, देन यू पे 20 लाख और व्हाटएवर, दुबई इज रनिंग ऑन द सेम। वी हैव बुक्ड अराउंड 7 न्यू रेंज रोवर बुक देयर, और 4-5 शेयर लैंड रोवर बुक करी हुई, जैसे यही वी आर सेलिंग इट ऑफ टू मी। हाँ यार, प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, पता चला एक साल में एक गाड़ी आई और प्राइस भी बढ़ा के आ गई, तो बट वो उतना ही फिर वो लेटेस्ट होगी ना, 24 हो जाएगी फिर वो मेरी कार। बट दे आर नॉट डूइंग एनी चेंजेस ना। हां चेंजेस तो कि वैसे ही इतना स्लो करते हैं, नंबर ऑन द 3 की जगह 4 आ जाएगा, दैट्स इट, गाड़ी विल रिमेन सेम। और कोई बड़ी बात नहीं, दे स्टॉप द डीजल इन इंडिया नाउ, बिकॉज़ इंडियन गवर्नमेंट इज स्टॉपिंग डीजल, वो प्लान कर रहे 27 तक डीजल खत्म कर देंगे। So companies are not coming with diesels anymore. अब हो सकता है कि आप बुक करो और वो टाइम पे डीजल की जगह आपको पेट्रोल ही लेनी पड़े। This could be the possibility. That's what I'm saying ना, जिसके पास आज जिसने ले ली, जिन्होंने भी चाहे नई ली, प्रीमियम पे ली, नॉन प्रीमियम पे ली, उनके प्राइसेस फिक्स हो चुके हैं। चलो ठीक है, मुझे और कंफ्यूज मत करो, मैं मैं बता दूंगी आपको 2-3 दिन। हाँ मैं चेक करके बताऊंगी, वही ना, पहले एक बार मैं बात कर लेती हूँ, क्या मुझे बताते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्त, ये तो हमें रीसेल का आइडिया हो गया कि अगर हम एग्जॉटिक व्हील से लेते हैं तो किस प्राइस में मिल रही है गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू है भैया, बिल्कुल कोई किलोमीटर्स ड्रिवन नहीं है ये, मतलब बिल्कुल बिना वेटिंग के अगर इमीडिएट मुझे कार चाहिए तो गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और ये रीसेल में हो गया। लेकिन अगर हम शोरूम से लेते हैं, टोयोटा से ही डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो वहाँ पे क्या स्टेटस चल रहा है वो भी देखते हैं, वो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल।